नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावाची और सच्ची खबरों में स्वागत है आपका। सबसे पहले बात लोकसभा चुनावों के नतीजों की। अब से कुछ ही घंटों बाद 8वीं लोकसभा के नतीजों का ऐलान होने वाला है, लिहाजा मतगणना को लेकर पूरे देश में करीब करीब सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेकिन इस बार नतीजों से पहले कई तरह के संदेश और आशंकाएं जताई जा रही है, जिनका जवाब देने के लिए मतगणना से पहले चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें यह बताया गया है कि विपक्ष की ओर से उठाई गई मांगों को मान लिया गया है। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है। सवाल ये है कि ये लागू नहीं हो रहे, या हमारा अनुभव तलखियों का बाजार गर्म है, या आपके जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको ये हिदायत दी जाए कि ये सब लागू हो। कल मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई, हम सबको माने। 542 सीटें, 7 चरण और 46 दिन लंबी चुनावी प्रक्रिया के दौरान कई तरह की आशंकाएं और आयोग की भूमिका पर कई सवाल उठाए गए, कभी सियासी दलों की तरफ से और कभी सोशल मीडिया पर लोगों ने। लेकिन नतीजों से ठीक पहले इन सवालों और आशंकाओं को जवाब दिया मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने, जो वोटिंग के बाद और नतीजों से ठीक पहले मीडिया के सामने आए और आरोपों का जवाब कविता के जरिए दिया। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। जो एम्पायर है उसको पकड़ लो पहले से, पेशबंदी कर लो जिससे वो बोली ना पाए। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। एक दिन पहले ही इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे और मतगणना को लेकर आयोग के सामने 5 मांगे रखी, जिनमें विपक्ष की पहली मांग ये थी कि पोस्टल बैलेट के रिजल्ट ईवीएम के रिजल्ट से पहले जारी किए जाएं। दूसरी मांग ये थी कि नियमों के तहत काउंटिंग हो और पर्यवेक्षक इन नियमों को लागू कराएं, जबकि तीसरी मांग में मतगणना की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो और कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन हो। वहीं चौथी मांग में मशीन से जो डेटा आए उसे कंफर्म किया जाए। पांचवी और आखिरी मांग के तहत ईवीएम को सील करते वक्त जो पर्ची और टैग लगाया जाता है उसे वेरिफिकेशन के लिए सभी मतगणना एजेंट को दिखाया जाए। ये सब सवाल जो उठाया गया चुनाव आयोग से, ये सब उनके रूल्स और उनके गाइडलाइंस में ऑलरेडी मौजूद है। सवाल ये है कि ये लागू नहीं हो रहे, या हमारा अनुभव है। काउंटिंग में हर समय परेशानी होती है हमारे काउंटिंग एजेंट्स को। वो जब भी कुछ मांगते हैं इस रूल के तहत, उसे कहा जाता है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लिखित में ले आओ। अब ये एक संभव हो नहीं पाता काउंटिंग के समय, तो इस तरीके से कई सारी बातें टल जाते हैं। तो हमने उनसे आग्रह यही किया, जो बातें आपने खुद कही अपने गाइडलाइन में उसको लागू करवाने के लिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दो, या आपके जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको ये हिदायत दी जाए कि ये सब लागू हो। विपक्ष की इन तमाम मांगों को आयोग की तरफ से मान लिया गया, जिसकी जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि काउंटिंग में कोई गड़बड़ी ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। कल मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई थी, हम सबको माने। उनका कहना था कि लिखित में कि सीसीटीवी मॉनिटर्ड मूवमेंट होना चाहिए कंट्रोल यूनिट्स का। डन होगा, होता ही है। जाली लगी होती है, उसके बीच में से निकल के जाती है, होगा। वेरिफिकेशन ऑफ करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले होना चाहिए, मैंने पहली स्लाइड में दिखाया, वो तो हमारी इंस्ट्रक्शन में लिखा है, होगा, मान लिया। स्टार्ट एंड एंड टाइम दिखाया जाना चाहिए, दिखाया जाएगा, जरूर दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाना भी है, हमने मान लिया। मशीन के टैग्स को, ये कल की डिमांड्स हैं, तो स्लिप्स एंड टैग्स को वेरीफाई किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। सीयू आने के बाद उसकी चेकिंग होनी चाहिए, स्टाफ को करनी चाहिए, काउंटिंग स्टाफ को। इंस्ट्रक्शंस टू काउंटिंग स्टाफ टू शो दी काउंटिंग एजेंट्स डेट ऑफ पोल, नेम, पार्टी कैंडिडेट, किसको कितने वोट मिले, जरूर दिखाया जाना चाहिए। काउंटिंग ऑफिशियल्स को रिकॉर्ड करने का मौका दिया जाना चाहिए कि मशीन उससे पहले नेक्स्ट रूम में जाए, जरूर किया जाना चाहिए। एवरी राउंड का रिजल्ट वहां डिस्प्ले करना चाहिए हर एआरओ को हॉल में। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने 46 दिन लंबी चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराने वाले चुनाव कर्मियों की हौसला अफजाई भी की। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है,
माली की बात कौन करता है, गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है, लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है मगर तुम्हारी बात कौन करता है। अभिनंदन हम करते हैं उन सभी का जिन्होंने भीषण गर्मी में, कहीं तूफान में, कहीं पहाड़ पर या किसी नाव में फर्ज अपना निभाया बगैर डिगमगाए, ताकि राष्ट्र का लोकतंत्र रहे मजबूत और तिरंगा लहराए। आप सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। लगे हाथ ये भी बताया गया कि आम चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की 495 शिकायतों में 90% का निपटारा आयोग की तरफ से किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विपक्ष की तरफ से ईवीएम में गड़बड़ी और वोट प्रतिशत बढ़ाने के आरोप के बीच मतगणना की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। आखिर मतगणना के दिन वोटों की गिनती कब शुरू होती है, वोट काउंटिंग की प्रक्रिया में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, मतगणना सेंटर में किसे किसे मौजूद रहने की इजाजत होती है, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको समझाते हैं। साथ ही आपको चुनाव आयोग की तरफ से होने वाली फुल प्रूफ तैयारी की जानकारी भी होनी चाहिए, ताकि आप किसी तरह के फेक नैरेटिव के चंगुल में आने से बचें। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में निष्पक्ष चुनाव के अलावा मतगणना करवाने की जिम्मेदारी भी रिटर्निंग ऑफिसर की ही होती है। आमतौर पर रिटर्निंग ऑफिसर जिलाधिकारी होता है, जिस पर वोटों की गिनती के लिए सही जगह के चुनाव की भी जिम्मेदारी होती है। मतगणना के दिन सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच सभी अधिकारियों को मतगणना सेंटर पर पहुंचना होता है। इनमें काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट शामिल होते हैं। आमतौर पर हर लोकसभा क्षेत्र के लिए काउंटिंग सेंटर यानी कि एक मतगणना केंद्र होता है, जहां 14 काउंटिंग सुपरवाइजर और 14 काउंटिंग असिस्टेंट की तैनाती होती है, जिनके लिए काउंटिंग हॉल में 14 टेबल लगाई जाती है। हर एक टेबल पर एक काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट की ड्यूटी लगी होती है। एक टेबल रिटर्निंग ऑफिसर के लिए लगी होती है, यानी कि काउंटिंग हॉल में कुल 15 टेबल होते हैं। मतगणना से जुड़ी जानकारी को गुप्त रखना अनिवार्य है, और यही वजह है कि किसी अधिकारी को मतगणना के दिन से पहले यह पता नहीं होता है कि उसे किस नंबर की टेबल पर गिनती करनी है। मतगणना के कुछ घंटे पहले ही जिले के चीफ इलेक्शन ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट को हॉल नंबर और टेबल नंबर अलॉट करते हैं। मतगणना के दौरान सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट के अलावा हर टेबल पर हर उम्मीदवार की ओर से एक एजेंट भी होता है, जो उसे पहले खुद उम्मीदवार चुनता है और फिर स्थानीय निर्वाचन अधिकारी उसे अप्रूव करता है। काउंटिंग की तारीख से 3 दिन पहले एजेंटों के नाम और फोटो वाली लिस्ट जारी हो जाती है। इस तरह एक हॉल में किसी भी उम्मीदवार की ओर से 15 से ज्यादा एजेंटों के मौजूद रहने की अनुमति नहीं होती। एक एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास भी बैठा होता है। मतगणना के दौरान संदेह के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी किसी भी एजेंट की तलाशी ले सकते हैं। एक बार हॉल में आने वाले एजेंट को गिनती खत्म होने तक बाहर जाने की अनुमति नहीं होती, और ये वजह है कि काउंटिंग हॉल के पास ही पीने का पानी, खाना और टॉयलेट की व्यवस्था की जाती है। मतगणना से पहले पूरी व्यवस्था अपनी जगह पर दिखने के बाद सुबह ठीक 8 बजे वोटों की गिनती की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो सबसे पहले बैलेट पेपर और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम यानी कि ETPBS के जरिए दिए गए वोटों की गिनती होती है। बैलेट पेपर और ETPBS सिस्टम का इस्तेमाल कर सरकारी कर्मचारियों के वोट देने के लिए होता है, जिनमें सैनिकों के अलावा चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, विदेश सेवा से जुड़े अधिकारी और एहतियातन हिरासत में रहने वाले मतदाता शामिल होते हैं। बैलेट पेपर और ETPBS के जरिए दिए गए वोटों की गिनती पूरी होने के बाद 8:30 बजे के बाद सभी टेबल्स पर एक साथ ईवीएम की वोटों की गिनती का काम शुरू होता है। हर राउंड के बाद रिटर्निंग ऑफिसर रिजल्ट बताते हैं। इस दौरान उसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अपडेट किया जाता है। मतगणना की पूरी प्रक्रिया के दौरान चुनाव अधिकारियों के अलावा किसी को भी मोबाइल फोन रखने की इजाजत नहीं होती। सुबह 9 बजे मतों की गिनती का पहला रुझान आना शुरू हो जाता है। कई राउंड की गिनती के बाद नतीजों की घोषणा होती है। विजेता उम्मीदवार को रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से जीत का सर्टिफिकेट दिया जाता है और ईवीएम को फिर से स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। मतगणना के 6 महीने बाद तक ईवीएम में बंद डेटा को संभाल कर रखा जाता है। मतगणना केंद्र पर गड़बड़ी करने वाले कर्मचारी या फिर एजेंट दोनों के लिए ही सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। किसी भी गड़बड़ी की आशंका पर रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की जा सकती है। अगर रिटर्निंग ऑफिसर शिकायत पर एक्शन नहीं लेते हैं तो लिखित
फैक्स या फिर ईमेल के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की जा सकती है और उसको फोन किया जा सकता है। दिल्ली में मौजूद चुनाव आयोग के केंद्रीय कार्यक्रम में भी सीधे शिकायत का विकल्प होता है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मतगणना क्षेत्र में घुसने की कोशिश करे या फिर घुस जाए, या मतगणना क्षेत्र के आसपास अगर किसी व्यक्ति की एक्टिविटी की वजह से उस पर शक होने लगे, किसी व्यक्ति के पास अपने कोई हथियार देखा है, तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव अधिकारियों से शिकायत करनी होती है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, तो फिर इसकी भी शिकायत की जा सकती है। चुनाव आयोग ने इन सभी वजहों के लिए 24 घंटे के अंदर का वक्त तय किया है। रिजल्ट आने पर फिर सिर्फ कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। जहां एक एक पार्ट डिसाइडेड है, कल 6 बजे क्या होना है, 6:15 क्या होना है, 6:30 क्या होना है, एक पार्ट खुलेगा तब दूसरा जाएगा, किस जगह में कैंडिडेट होना है, एक हॉल में 14 टेबल के पीछे में पोलिंग पर्सनल, टेबल के सामने में हर पार्टी हर कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट्स, 8,000 से ऊपर कैंडिडेट्स हैं सिर्फ पार्लियामेंट्री। अगर बड़े वाले का भी लगा लें, 3 भी पोलिंग एजेंट्स होंगे तो बाहर पोलिंग एजेंट्स, 10.5 लाख बूथ पे 3 भी अगर पोलिंग एजेंट्स हम एक काउंटिंग सेंटर में मान लें उसके हिसाब से हर टेबल पे, तो करीब करीब 30 से 35 लाख लोग बाहर हैं। उसी हिसाब से 17C कम से कम 30 से 35 40 लाख उनके हाथ में है जिसको वो मिलाएंगे, और वहां माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं कौन नहीं है, कम से कम 70-80 लाख लोगों के बीच में ये काम हो रहा है। कहीं से कहीं तक कोई गलती इस प्रोसेस में हो ही नहीं सकती। 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार पूरा देश बड़ी बेसब्री से कर रहा है, खासकर सियासी पार्टियां जो अपनी अपनी जीत के दावे के साथ साथ कल होने वाले जश्न की तैयारी में जुटे हैं। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से भी मतगणना को लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। कहीं सच रहे शामियाने, कहीं बन रही मिठाई और कहीं जीत के लिए शुरू हुई पूजा पाठ। ये तैयारी है अब से कुछ घंटों बाद मनाए जाने वाले लोकतंत्र के उत्सव की, क्योंकि 46 दिन लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार सियासी पार्टियां बड़ी बेसब्री से कर रही हैं, जो अपनी अपनी जीत के दावे के साथ मतगणना से जुड़ी तैयारी में भी जुटी हैं। ये तस्वीरें आई हैं बीजेपी और कांग्रेस मुख्यालय से, जहां काउंटिंग डे से जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के हेडक्वार्टर में, और यहां पर भी 4 जून की तैयारी आपको जोर शोर से दिखाई पड़ेगी, सेलिब्रेशन की तैयारी आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल में तमाम एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को बहुमत मिलते हुए दिखाया है, कई जगह पर 400 पार दिखाया गया है, ऐसे में यहाँ पर जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। इस तरह से बीजेपी दफ्तर के जो बाहर का प्रांगण है वहीं पर इस तरह से टेंट लगाया गया है, और यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता कल सुबह से ही पहुँचना शुरू हो जाएंगे, उन्हें धूप से बचाने के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, उनके खाने पीने की सभी तैयारियाँ यहाँ पर पूरी की जा रही हैं, तैयारियाँ अपने अंतिम चरण में आपको दिखाई पड़ रही हैं। कांग्रेस के हेडक्वार्टर में आप देखिए मतगणना के दिन के लिए तमाम तैयारियां यहां पर शुरू हो चुकी हैं। काउंटिंग का दिन है 4 जून और उसकी तैयारियां यहां पर भी साफ दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि तैयारियां बड़े रूप में बीजेपी के हेडक्वार्टर में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं है। गर्मी से निपटने के लिए यहां भी एसी और कूलर की व्यवस्था की जा रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है, और कल सुबह से ही यहां पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचना शुरू होंगे, लेकिन नंबर्स कुछ भी आए कांग्रेस कम से कम एग्जैक्ट नंबर्स आने से पहले अपने कार्यकर्ताओं का जोश बनाए रखना चाहती है। इन तैयारियों के बीच ही जीत के मौके पर होने वाले जश्न को लेकर भी काम जोर शोर से जारी है। चाहे मुंबई हो या लखनऊ या फिर कोई देश का कोई और शहर, सियासी पार्टियों के कार्यकर्ता और समर्थक अभी से सेलिब्रेशन के मोड में आ चुके हैं। जश्न के मौके पर मुंह मीठा कराने के लिए बड़े पैमाने पर लड्डू बनाए जाने लगे हैं।
लोकतंत्र के महा उत्सव के बाद अब नतीजों की तैयारी है, लेकिन नतीजों में किसी की जीत होगी तो उस जीत में जश्न भी होगा, और ये जश्न जिसमें मुंह मीठा होता है लड्डू से। वैसे तो लखनऊ में कई तरह के अलग अलग दृश्य दिख रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे खास बूंदी के लड्डू का ये कारखाना है जिसमें लड्डू तैयार हो रहे हैं। किस तरह से तैयारी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो भी जश्न होता है, सेलिब्रेशन होता है, उसमें लड्डू जरूर बांटे जाते हैं, तो प्रत्याशी भी बांटते हैं, उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज भी ऑर्डर देती हैं। तो लड्डू के कारखाने में हम हैं डालीगंज में, और यहाँ पर ये लगातार तैयार होने का सिलसिला जारी है। आपको बताया कि इस तरीके से लड्डू बनाए जा रहे हैं, लगभग 2.5-3 घंटे हो गए हैं, 10,000 का आंकड़ा जो पार करना है, और अगर कम पड़ा तो और भी बनाए जाएंगे लड्डू। लड्डू के ठीक पीछे अनिकेत, मैं चाहता हूँ कि आप वो भी दिखाएं, श्री राम जी का जो भव्य मंदिर अयोध्या में बनाया गया है उसकी एक तस्वीर भी रखी हुई है, और श्री राम जी की मूर्ति की भी तस्वीर यहाँ पर रखी हुई है। इन्हीं का आशीर्वाद लेकर के लड्डू बनाने का कार्यक्रम जो है भैया, वो एक अलग लेवल से शुरू हो गया है। अच्छा, एक तस्वीर वहाँ की भी है, वहाँ भी जरा सा आप देख लें कि किस तरीके से पैकेजिंग का काम शुरू है, और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा भी गया है कि कल जो है जीत जैसे ही पता चलनी शुरू हो जाएगी, मुंबई का जो प्रदेश कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ पर इस तरह से लड्डू के जो बंटवारे हैं वो शुरू हो जाएंगे। सियासी पार्टियों के साथ साथ चुनाव आयोग भी बिना किसी गड़बड़ी के मतगणना कराने के लिए पूरी तरह कमर कस चुका है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक काउंटिंग सेंटर तैयार हो चुके हैं। चाहे सुरक्षा से जुड़े इंतजाम हो या मतगणना केंद्र के अंदर की तैयारियां हो, सब करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। मतगणना को लेकर किसी तरह का कोई शक व शुबा सियासी पार्टियों में ना हो, इसका भी पूरा पूरा ख्याल चुनाव आयोग ने रखा है। चुनाव आयोग ने मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो या फिर मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें हों, करीब 116 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है मध्य प्रदेश में, जो पूरी मतगणना की पल पल की जानकारी चुनाव आयोग को भेजेंगे। और आपको सामने हम तस्वीर दिखा देते हैं कि क्या तैयारियां यहां की गई हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा संवेदनशील मसला होता है मतगणना की। ये भोपाल का स्ट्रांग रूम है, जहाँ भोपाल लोकसभा की जो ईवीएम है वो रखी गई है, और यहाँ पे सबको बड़ी बात आपको बता दें कि ये जो है मोबाइल प्रतिबंधित क्षेत्र है पूरा। जो काउंटिंग सेंटर पे जो एजेंट पहुंचेंगे, उनको पहले इस लाइन के जरिए उनकी कड़ी सुरक्षा जांच के बाद उन्हें अंदर की ओर प्रवेश दिया जाएगा, और जब वो अंदर पहुंच जाएंगे तो वो मुख्य दरवाजा, हम आपको काउंटिंग सेंटर का बता देते हैं, जो यहाँ वो मुख्य दरवाजा है जहाँ पे ईवीएम अंदर रखी हुई है, और यहाँ पर जब वो पहुंचेंगे तो इसके किसी के भी आगे यहाँ पे मोबाइल फोन ले जाने की मनाही रहेगी। लखनऊ के उस काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हूँ जहाँ पर लखनऊ और मोहनलालगंज सीट के लिए काउंटिंग होगी। ये 10 कमरों में ये काउंटिंग होगी, और जिसको लेकर के पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 2 कंपनी CAPF है, इनर कैडर में CAPF के हवाले होगी, यानी जहाँ पर EVM रखी गई हैं और जहाँ पर काउंटिंग होगी, दोनों ही जगहों की सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बल के हाथ में होगी। तो यहाँ पर CCTV लगाया हुआ है। ये 3 जो कमरे हैं जहाँ पर ये EVM रखी हैं, जो काउंटिंग है हर एक सीट पे, ये मोहनलालगंज की है, मलिहाबाद विधानसभा है, ये लखनऊ मध्य, ये लखनऊ मध्य की बख्शी तालाब, लखनऊ पश्चिमी, ये इस तरीके से है। 18वीं लोकसभा के लिए 542 सीटों पर करीब 8,000 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला जनता कर चुकी है, और अब चंद घंटों बाद इस चुनावी रण में कौन हारा और कौन जीता ये साफ हो जाएगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया, लखनऊ से शिल्पी सेन, मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, भोपाल से रवीश पाल सिंह, और लखनऊ से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बस कुछ ही घंटों का और इंतजार, और फिर उसके बाद कौन जीतेगा कौन हारेगा तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन गुड न्यूज टुडे पर हम आपको दिखाएंगे लोकतंत्र की जीत का उत्सव, क्योंकि मत है जनता का और जीत होगी जनता की। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से लगातार आप गुड न्यूज टुडे पर देख सकते हैं चुनावी नतीजे लाइव।